जम्मू कश्मीर में नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है। स्पेशली डिजाइन विस्टाडोम कोच से कने ही नए सपनों का जन्म होता है। अच्छा समय होगा और इसके कारण जम्मू कश्मीर की बर्फ के पहाड़ जो होते हैं ना उसका व्यू भी देख सकते हैं। व्यू देख सकते हो मतलब हर एक सजाया जा रहा है, डेकोरेट कर रहे हैं। और भाई ठीक हो? छत में भी ग्लास लगे हो? क्या मस्त है यार, क्या ना। अब देखो इसमें LED लाइट लग के है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। करते हैं दिन की शुरुआत, वो भी रोड पे कर रहे हैं। थोड़ा सा लेट हो गया और धीमे भाई भी साथ में है। चल हम देखते हैं वहाँ पर नौगाम ना इनोग्रेशन का, वो भी टाइमिंग पता चलने के लिए। तो टाइमिंग तो कुछ पता नहीं चला, तो फाइनली अब हम जा रहे हैं 9:30 बजे जा रहे हैं जहाँ पर नौगाम, जहाँ पर इनोग्रेशन हो रही है, जहाँ पर विस्टम बोलते हैं ना, विस्टरम जो लॉन्च हो रही है, विस्टरम कोच। तो आज ट्रेन लॉन्च हो रही है, यहाँ से भी ग्लास है, यहाँ से भी ग्लास है। तो अभी तो मैंने देखा नहीं है, तो उसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकता। जब मैं देखूँगा अच्छी तरह सामने फेस टू फेस देखूंगा ना, तो आपको भी दिखाऊंगा और बताऊंगा उसमें क्या क्या फ्यूचर है। ठीक है ना, तो जाते हैं अभी नौगाम। अभी हम 5-6 बजे में पहुंचे। ठीक है ना, चलो। फाइनली हम पहुंचे नौगाम रेलवे स्टेशन, जो श्रीनगर में आता है, श्रीनगर का रेलवे स्टेशन आता है। तो यहीं पर लॉन्च होने वाली है, लॉन्च मतलब यहीं से इनॉग्रेशन होगी। विस्टडम जो कोच नहीं लॉन्च होगी, अभी तो LG साहब भी नहीं आए हैं, जो हमारे JNK के गवर्नर हैं, तो वो यहीं पर करेंगे क्या बोलते हो इनॉग्रेशन। तो अभी डीएम भाई ना अंदर चले गया, अब मेरे को जाना है बस, तो जाते हैं फिर। अपने घर जा रहे हैं या अपने काम पे या स्कूल कॉलेज सब में जा रहे हैं। हो गया टिकट काउंटर, ठीक है ना। आप जाते हैं प्लेटफॉर्म में जहाँ पर ट्रेन की पटरी, देखो यात्री सारे हैं, जा रहे हैं अपने घर। यहाँ से निकल गया है ड्रीमर, वो दूसरे साइड पहुँच गया है, तो मैं भी वहीं पहुँचता हूँ। पता नहीं कुछ बोल रहा है, जल्दी यहाँ पर आ जा। अभी LG साहब नहीं आए हैं, तो हमारे गवर्नर साहब हैं, वो अभी नहीं पहुँचे हैं यहाँ पर। तो अभी मुझे नहीं पता कितने बजे आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। जितने बजे भी आएंगे सब कुछ बताएंगे आपको, ठीक है ना, पूरी अपडेट्स देते रहेंगे आपको। यहाँ से देखो ट्रेन की पटरी कितनी अच्छी लग रही है, वहाँ पर ट्रेन भी एक रुकी हुई है। तो जाते हैं डीमर भाई के पास में। नहीं, वो यही है विस्टडम, यही है, इसी का नाम है विस्टडम। देखो क्या लिखा हो, बनाल बड़गाम बारामूला तक चलेगी, अभी बनाल बड़गाम बारामूला तक चलेगी, ठीक है ना। तो आपको दिखाते हैं विस्टडम आगे, इसी का नाम है। ये नई ट्रेन यही आई हुई है, यही नई वाली ट्रेन है। आपको लगा था ये नई वाली? नहीं, मेरे को नहीं लगा, पुरानी वाली। मगर आगे जाके देखो ना, आगे से छत भी वो ग्लास का ही है। अच्छा, एक एक दो डब्बे, मतलब एक दो डब्बे तीन डब्बे बने हुए हैं, दो डब्बे जो कि मतलब अच्छे से। ये भी बड़े ही है, मतलब जो पुरानी वाली है ना, हाँ? उसे थोड़े से बड़ी खिड़की है यहाँ पे। अच्छा, लेकिन ये वाला जो डब्बा है ना, हाँ, इसमें देख कितने बड़े बड़े वो विंडोज लगे हुए। हाँ हाँ हाँ, खाली साइड से नहीं, ऊपर से भी छत भी देखो गाइस, कितने बड़े बड़े ग्लास लगे हुए। जो श्रीनगर में ट्रेन है ना, छत भी देख, छत में भी, हाँ देखो छत में भी, छत में भी ग्लास लगे हो। क्या मस्त है यार, इसमें राइड करना है एक बार। ये वाले डब्बे में करेंगे, कन्याकुमारी जाएंगे। कन्याकुमारी किधर जाएंगे? कन्याकुमारी तो अगर साफ ऑफ आएगा वो अच्छे से दिखेगा ऊपर पहाड़ पे। पागल है, अगर बर्फ गिरेगी ना भाई, वो किसमें गिरेगी? शीशे पे बर्फ गिरेगी। मगर एक ही डब्बा है ना। अरे जो भी आप धीरे धीरे होगा ना अच्छे से, है कि नहीं। फिलहाल इनोग्रेशन है आज, तो हाँ। बाकी ये देखना भाई, जब बर्फ गिरेगी उस टाइम, ये छत पे गिरेगी ना, गिलास की छत पे, हाँ। कितना मस्त लगेगा बर्फ, हाँ, इसके ऊपर वो भी सही है यार, बहुत ज्यादा मजा आने वाला। आप ना वो अच्छे से देख पाओगे पूरा। देखिए हम इंजन के पास आ गए, जहाँ पर इंजन होता है ना ट्रेन का। तो यहाँ पर देखो बैलून्स भी लगा रखे, क्योंकि इनॉग्रेशन है ना आज। देखो फूलों के साथ सजा के रखा है इसको, सजा रखा है पूरा। ओ भाई साहब, ये देखो माला वाला लगाई हुई है फूलों के साथ, सजा रखा है। नहीं, आप जानो तो मैं आजाना फोटो। ट्रेन को माला वाला लगा रखी है, ट्रेन को माला डेकोरेट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे अभी LG मनोज सिन्हा आने वाले हैं, इसके बस इनोग्रेशन होगी यहाँ पे। अच्छा जी, मजा आने वाला है, मगर आज मजा आएगा। हम टाइम पे पहुँच गए, बस फ्री की राइड मिलनी चाहिए। तो भाई मेरे को भी एक फोटो खींचनी है उसके साथ में बैठ के। कल मेरे को नहीं खींचनी थी, मगर मैं आज खींचूंगा फोटो। फूल माला लगी है ट्रेन के साथ, फूल माला लेके हम फोटो खींचेंगे आज। जी गल बन गई क्या मित्रों। अभी हम ट्रेन की पटरियों में चल रहे हैं, क्योंकि अभी बंद है ना, क्योंकि इनॉग्रेशन है। अभी यहाँ से कोई ट्रेन आ नहीं सकती ना जा सकती है। फोटो खींचने वाला ड्रीमर भाई, फोटो ओके, चल सजाया जा रहा है, डेकोरेट कर रहे हैं। और भाई ठीक हो? डेकोरेट करो शाबाश। बैलून लगा रहे हैं मस्त सा, ट्रेन को सजा रहे, क्योंकि इनॉग्रेशन है ना आज।
जो एक चीज बताना भूल गया था, जिसमें आगे लाइट लगी है ना, जो पहली ट्रेन होती थी ना उसको वो नॉर्मल लाइट लगी होती जो पुराने जमाने में होती थी, मगर जो अब जो लाइट लग के है ना, अब देखो इसमें LED लाइट लग के है। क्या बात है, देखो LED लाइट लग के है इसमें, क्या बात है, बदल गई ट्रेन कश्मीर की, LED लाइट लगेगी और पूरा साफ नजर आएगा आगे जाके। एक चीज बोलना भूल गया था, तो इसकी जो सीट है ना बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल है बाकी ट्रेन से, मजे से आप अपना सफर कर पाओगे, एंजॉय, अच्छी सी नींद आएगी, मस्त सी नींद आएगी, कसम से कहता हूँ। मैंने अभी ट्राई नहीं किया, बट आज इनॉग्रेशन है, कल मैं भी ट्राई करूंगा, इसमें बैठ के देखूंगा एक बार, कसम से एक बार बैठ के देखना है। AC समर्स में आपको AC लग जाएगा, विंटर्स में आपको हीटर लग जाएगा, और जो ऊपर वाले शीशे हैं वो ओपन रहने वाले हैं, और जो लेफ्ट एंड राइट वाले मिरर है ना वो बड़े बड़े मिलेंगे, और अच्छा सा व्यू नजर आएगा आपको, ठीक है ना। जितना भी कश्मीर का व्यू आप पूरा देख सकते हो इस ट्रेन में, ठीक है ना जी। मुझे एक चीज बताओ, देखो सामने हमारी कौन सी ट्रेन खड़ी है, विस्टरडम, तो मुझे इसके बारे में कुछ बता दो प्लीज, गूगल करके बता, मेरे को नहीं बताना है, जो यहाँ पर हमारी वीडियो देखेंगे उनको पता होना चाहिए। तो मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कश्मीर इज ऑल वेदर हाईटेक विस्टरडम कोच है ये, ठीक है। ऑल वेदर क्या हुआ, बर्फ होगी तो हीटर चलेगा, समर होगी तो AC चलेगा, जैसे कि मैंने अभी बोला था आपको। तो ये ना 40 seated AC कोच ट्रेन है ये, ठीक है। इसमें फ्यूचर क्या है, फ्यूचर इसमें लार्ज ग्लास इसके आपको दिख रहा है, विंडोज है बड़े बड़े, ऊपर से भी इसके विंडोज लगे हुए, ग्लास लगे हुए, LED लाइट्स लगी हुई है इसमें, रोटेबल सीट, LED लाइट अंदर लगी है कि बाहर लगी है, शायद सामने ही होगी वो नहीं पता हमको, बाद में पता चलेगा। बाकी ये सीट्स है ना, ये रोटेबल सीट्स है जो आपको दिख रही है, कम्फर्टेबल है, रोटेबल घूमती है, गोल गोल है, और इनबिल्ट GPS बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी है इसमें, मतलब 360 है, 360 डिग्री भी श्रीनगर से मारती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा घूमती होगी ये सीट्स, राइड करना चाहते हो, अलग ही मजा आया, जब बर्फ गिर रहेगी ना, गिलास पे जो ऊपर से गिलास, वो पूरा व्यू नजर आने वाला है, करोगे चाहे वो ऑटो, पूरा स्काई नजर आएगा ऊपर से। देखो अगर आप स्काई का छोड़ो, जब बर्फ गिरेगी ना या बारिश कुछ भी होगा तो उसमें अलग ही मजा होगा, खासकर वो सैफ्रन फील्ड जब होता है जहाँ पे खेती होती है वो भी आप देख सकते हो, ऑटम सीजन में जो चिनार गोल्डन लीव्स होते हैं वो भी आप अच्छे से देख पाओगे, स्नो देख पाओगे, जो स्नो के पाउडर ये बर्फ के पहाड़ जो होते हैं ना उसका व्यू भी देख सकते हो, अभी व्यू देख सकते हो, मतलब हर एक किसी का जो भी आएगा आप एंजॉय, मतलब हर किसी सीजन का मजा ले सकते हो इस ट्रेन में। ओके भाई थैंक यू, ठीक है। अपने ड्रीमर भाई ने अभी कहा हर किसी सीजन का मजा ले सकते हो इस ट्रेन में, विस्टरडम नाम है ना, विस्टरडम कोच, मजा आ जाएगा, एक राइड तो बनती है, मगर कल बने परसों बने जब भी बने इसकी वीडियो तो जरूर बनाएंगे। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, पता है किसका, इनॉग्रेशन का वेट कर रहे हैं, कब इनॉग्रेशन होगी, कब हम घर जाएंगे, बैलून्स लगा रहे हैं क्योंकि अंदर असली मेन चीज यही है ना, मेन कोच यही है, इसी की तो इनॉग्रेशन हो रही है, इसी को बैलून्स लगा रहे हैं। देखो वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का, विस्टरडम ट्रेन का नहीं, जो इनकी ट्रेन आती है, किसी को बारामूला जाना होगा, किसी को बनाल जाना होगा, किसी को बड़गाम जाना होगा, सब यहीं पर वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मित्रों ये देखिए विस्टरडम, मित्रों विस्टरडम नहीं आएगी लोकल ट्रेन है यार, असली विस्टरडम यही है ना, वही सीधा बस यही है। अरे इसमें जो अच्छा वो ग्लास लगा हुआ है, बड़े बड़े ग्लास लगे हुए हैं, बड़े ग्लास लगे हुए हैं विस्टरडम में, मुझे लगा ऐसी ट्रेन थी, तो इसके बाद हम विस्टरडम दिखाएंगे इंग्लैंड के इनॉग्रेशन के लिए। सब देखो सब वेट कर रहे हैं ट्रेन का, और सब जाने वाले ट्रेन में कैसे भाग रहे हैं ट्रेन के लिए, यहाँ पर ना बहुत तगड़ी वाली भीड़ लगी है भाई साहब, 150 रुपए किराया, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए। किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बनियाल जा रहे हैं, बनियाल जा रहे हो, बनियाल। तो गाइस जो ये विस्टरडम ट्रेन है ना, ये दिन में 2 बार रन करेगी, एक सुबह और एक शाम 4 बजे, ठीक है ना। अभी यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहाँ पर अभी अलाउड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते हैं, और इन्हीं से कोई बोल रहा है यहाँ पर आधे एक घंटे का इनॉग्रेशन होगी, कोई बोल रहा है 2 बजे के बाद होगी, कोई बोल रहा है 4 बजे के बाद होगी, है ड्राइवर भाई क्या मसला है, मसला कुछ नहीं है, यहाँ पर पता ही नहीं है, यहाँ पर रुकने भी नहीं दे रहे हैं हमको। अच्छा, तो अभी हम 2-3 घंटे से यहाँ पे रुक मतलब बैठे थे, अब यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस रुकने भी नहीं दे रहे, अगर बैठा तो बाहर जाके बैठो, तो कंफर्म भी नहीं है 4 बजे इनॉग्रेशन की, 5 बजे होगी, क्योंकि कोई बता नहीं रहा, इसीलिए हम ना मतलब इनॉग्रेशन की वीडियो नहीं आपको दिखा सकते, क्योंकि इस टाइम ना यहाँ पे बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, हम आपको एक क्लिप दिखाएंगे जो कि आपको आगे जाके दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे उसकी क्लिप इनॉग्रेशन की आपको, हाँ मिल जाएगी ना वैसे गूगल में से क्लिप निकाल के आपको दिखा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सिक्योरिटी ना बहुत टाइट है, ज़्यादा पीछे देख रहे होंगे कितने स्कूटी टाइट है, यहाँ पर हिलने नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ पर गवर्नर आ रहे हैं ना यहाँ पर, इसलिए
G20 टूरिज्म वर्ग 1 करोड़ पर्यटकों को होस्ट करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था और इस साल सितंबर तक यह आंकड़ा 1,70,00,000 पार कर चुका है। बटगाम बनिहाल ट्रैक पर दौड़ने वाली स्पेशली डिजाइन विस्टाडोम कोच से कश्मीर घाटी के टूरिज्म को एक नया बूस्ट मिलेगा और बटगाम, श्रीनगर, अवंतीपुरा, अनंतनाग, काजीकुंड तथा बनिहाल स्टेशन पर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे, समृद्धि की संभावनाओं के दरवाजे खुलेंगे। विस्टाडोम के मनमोहक एयर कंडीशन कोच की चौड़ी खिड़कियां, कांच की पारदर्शी छतें, आप में से बहुत लोग इसको देख सकते हैं। मनोरंजन और रोटेटिंग सीट, मनोरंजन और अपनी पसंद का भोजन मील, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब यात्री पहाड़ भी, वादी भी, हरियाली भी और बर्फ भी सबका आनंद एक साथ ले सकेंगे। लोगों को, देश भर से आने वाले लोगों को कश्मीर घाटी एक नए रूप में इसके कारण प्राप्त होगा। इससे सभी स्टेशन से जुड़े शहर, कस्बे और गांव भी पर्यटन से जुड़ सकेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। शांति और समृद्धि ने आज आवाम की सोच में भी बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। ये सच है कि जितनी आकांक्षाओं की पूर्ति होती है, उतने ही नए सपनों का जन्म होता है। हर एक नागरिक के सपने को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमने कोशिश की है कि सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के खिलाफ एक नए आयाम जम्मू कश्मीर प्राप्त करे, इसकी कोशिश हो रही है। जिस रेल लाइन का जिक्र अभी रेल मंत्री जी से, रेल मार्ग के जरिए जुड़ जाएगा, मुझे लगता है कि वो हम सबके लिए एक अच्छा समय होगा और इसके कारण जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, मुझे उम्मीद है। टाटा बोल देते हैं, टाटा बाय बाय, ये यहाँ पर बैलून भी लग गया, देखो पहले नहीं, अब हम निकलेंगे, पता कि वहाँ पर ना अंदर बैठने दे रहे थे, जो ज्यादा टाइम तक बैठता था ना, उनको बोलते थे यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मैंने सिंपली उनको पूछा, यहाँ पर कोई टाइमिंग नहीं बताता इनॉग्रेशन के, इनॉग्रेशन कितने बजे, कोई कोई 2 बजे बोल रहा है, कोई 3 बजे बोल रहा है, कोई 4 बजे बोल रहा है। जब इनॉग्रेशन होगी भी ना, हम वीडियो तो भी नहीं उठा पाएंगे, इतनी सिक्योरिटी टाइट है यहाँ पर। अब एक हम काम क्या कर लेंगे, हम कभी भी कोई न्यूज वाला चढ़ाएगा ना क्लिप, हम वो क्लिप लेके 1-2 क्लिप आपको उसमें दिखा देंगे इनॉग्रेशन की वीडियो की। 1-2 दिन के बाद हम इसमें राइड करेंगे और अच्छी सी वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी हम घर ही निकलते हैं। फिलहाल क्या करें, अब घर ही चलते हैं। अब यहाँ क्या मसला, सीन क्या हो गया, यहाँ पे वीडियो नहीं उठाना, वीडियो नहीं मतलब रुकने नहीं दे रहे वहाँ पे। तो आप, हम क्या करेंगे, कोई न्यूज वाला वीडियो चढ़ाएगा, हम उसको डाउनलोड करके दिखाएंगे आपको इनॉग्रेशन की। हाँ तो दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे, बस हम नहीं उठा सके वहाँ पे। 1-2 दिन के बाद राइड करनी है इसकी। हाँ जरूर करेंगे। ओके भाई, चलो लेट्स गो। फाइनली हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए। अगर यहाँ पर हम रुकेंगे भी ना, हमें यहाँ पर वीडियो नहीं बनाने देंगे, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं बना देंगे, हम डाउनलोड कर लेंगे क्लिप। तो क्या होगा, 1-2 दिन के बाद अच्छे से राइड करेंगे, ठीक है ना, मस्त सी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अभी हम निकलते हैं घर, ठीक है ना। चलो फिर निकलते, चलो 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 मित्रों। नौगाम बाईपास में हम पी रहे हैं चाय। चाय तो हम डेली पीते हैं, ठीक है ना। चाय जब भी कहीं व्लॉग बनाने जाते हैं, पहले हम चाय पीते हैं, मगर अब एंड में पी रहे हैं आज। आज ना वीडियो बनाने नहीं दिया, बहुत दुख, घर पे बात करेंगे अच्छे से। फाइनली अब घर आ गए हैं, तो इनॉग्रेशन हो रही होगी, तो वहाँ पर जाने नहीं दिया, सिक्योरिटी रीजन था कुछ। तो अभी पता क्या सीन है, अभी विराट कोहली बॉलिंग करने वाला, इंडिया बांग्लादेश का मैच है। तो खाली हमने ट्रेन का व्लॉग बनाया, जो नई ट्रेन आई है विस्टाडोम कोच, तो बहुत अच्छी ट्रेन है, जल्दी उसका सफर करेंगे। तो आपको दिखाते हैं विराट कोहली कैसे बॉलिंग कर रहा है, दिखाते हैं विराट कोहली बॉलिंग कर रहा है। इस वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कोई नई सी वीडियो में, सफर जरूर करेंगे विस्टाडोम, नाम ही भूल गया, विस्टाडोम कोच का सफर जरूर करेंगे। ओके बाय।